साहेबंद की गुरु जी जी राधे राधे। मैं संत कबीर नगर से आई हूँ जी। बताएं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि मुस्लिम धर्म उनको सब पता, घर घर बच्चे बच्चे को, और हमारे धर्म में सब घर गीता नहीं होगी, रामायण नहीं होगी। मैं चाहती हूँ आप देशवासियों से, अपने भारत से, कि मतलब हर गांव में आपकी कथा हो, हर गांव में बिल्कुल मतलब इतनी प्रचार हो कि मतलब हमारे धर्म में सबको नहीं, अपनी सनातन धर्म में नहीं पता है क्या करना चाहिए, क्या गीता है, क्या रामायण है। सही है, सही कहा आपने बहन, सही कहा। ठीक है, हम तो बिल्कुल प्रयासरत कथा के द्वारा सबको बोलते हैं कि सत्संग कराओ। आज की कथा में हमने बोला कि तिलक लगाया करो, इसमें शर्म किस बात की, आपने सुना कि नहीं? आज सुनी थी। हाँ, तो आप भी सबको बताइए और गांव-गांव तक कथा तो टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा पहुंच रही है। आप लोग और प्रयास कीजिए, इसलिए कहता हूँ यूट्यूब पे शेयर किया कीजिए। जी, मुझे बहुत खुशी है आपकी कथा से। जी, जी। इतना मतलब बहुत शेयर करती हूँ मैं अपने मोहल्ले में, गांव में बहुत बताती हूँ सबसे। तो आपके गांव में लोग सुनते हैं कथा? कभी आई हूँ मैं। अच्छा, एक मिनट, गांव में सुनते हैं बेटा कथा आपके? सुनते हैं भैया। और ये मेरा भतीजा है, अभी UKG में पढ़ने जाता है, इसको कुछ याद नहीं होता, याद करती हूँ फिर भूल जाता है। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा शीर्षासन कराया करो, सिर के बल थोड़ा खड़ा हो, थोड़ा सा शीर्षासन है, अंकुरित अनाज है, ये सब खिलाओ पिलाओ। मैं कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ भेंट, हाँ, देना चाहती हूँ। ठीक है, अभी दे दीजिएगा, अभी दे दीजिए। और भैया मैं पोती बैठवाना चाहती हूँ, खर्च उसमें कितने आएंगे? वो सब आचार्य जी अंदर बता देंगे आपको। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ जी। मेरी माँ 6 महीने से करीब आपका यूट्यूब पे सुन रही है भजन जी, और आपका ये जो चल रहा है भागवत, वो 6 महीने से सुन रही है। मैं जब भी घर वापस आता था तो मुझे पसंद नहीं आता था। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। माँ ये भर दिन जो है क्या सुनती रहती है। हाँ। 2 बजे जब चालू होता था, 2:30 बजे से जब सुनना करती थी, रात के 10 बजे तक सुनती रहती थी। अच्छा। हाँ, आज माँ के ही आशीर्वाद कहिए, चाहे आपका आशीर्वाद कहिए, माँ आज हम बच्चों को लेकर यहाँ आपके शरण में आई हुई है। 4 दिन से हम लोग यहाँ हैं जी। हम लोग 3 भाई हैं, मेरा संयुक्त परिवार है, हम लोग एक साथ हैं जी। हम लोग 2 भाई और बहू के साथ यहाँ आए हुए हैं। तो आपका आशीर्वाद अपने परिवार से चाहते हैं। आप कथा आप सुनने लग गए हैं? हाँ, आज हम 4 दिन से आपका कथा सुन रहे हैं। तो आपको अच्छा मेरा मन बहुत अच्छा लगा जी। अब आगे चल के मैं आपका यूट्यूब पे भी सुनूंगा। कथा में आपको क्या अच्छा लगा इन 4 दिनों में? मुझे आपका जो है ये अच्छा लगा कि आप जो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, वो हमको सबसे अच्छा लगा जी। और मैं चाहता हूँ कि आप विदेशों से पैसा लेते हैं या नहीं? किससे? विदेश से, फॉरेन से। फॉरेन से अब जो सुनते होंगे कथा वो भेजते हैं? नहीं तो मैंने आपके ऑफिस से पूछा था, बोला कि फॉरेन से ऑफिस पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, फॉरेन से अभी जो सरकारी दस्तावेज होते हैं ना, पहले फॉरेन से पैसे लेने के लिए पहले सरकारी एक दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं। तो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। विदेश से डायरेक्ट जो पैसा लेते हैं ना, उसमें सरकार उसका एक पहले परमिट तैयार करती है, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि मेरी बेटी विदेश में रहती है, उसने कहा था कि मैंने पैसा भेजना है। हाँ, अभी थोड़ा रुक जाइए, फिर बाद में भिजवा दीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे।